लाख छुपाए क्या होता है, जो होता है मंजूरे खुदा होता है। तो दोस्तों मेरा नाम मुस्तफ़ा आलम हुआ, आप देख रहे हैं आई लाइक इट फॉर यू। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले, अगर आपका एडर सिम ब्लॉक होता है या पुक आउट होता है या किसी तरह से चालू नहीं हो रहा या इंसर्ट हो गया, इतने सारे रीजन के कारण नहीं चालू हो रहा, तो अपने सिम को बिना कस्टमर केयर से बात किए हुए 2 मिनट के अंदर चालू कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और बात है, जो आपके सिम ब्लॉक हो चुका है एयरटेल का, तो उस सिम से नहीं खुलने वाला है, किसी दोस्त का सिम लेकर या रिलेशन का या फ्रेंड का सिम लेकर एयरटेल का सिम लेकर अपने सिम को चालू कर सकते हैं बिना किसी बकवास के। उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, PUK1 और PUK2। तो आप फर्स्ट टाइम PUK1 नंबर डालेंगे, फिर सेकेंड टाइम आप PUK2 नंबर डालेंगे, तो आपका सिम 5 से 10 सेकंड के अंदर चालू हो जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ लाइव प्रूफ करके, किसी दोस्त का सिम या किसी फ्रेंड का सिम एयरटेल का मोबाइल में लगा होना चाहिए, उस मोबाइल में *121*51# डायल कीजिए और सिम ऑप्शन चूज कीजिए, SIM1 या SIM2। SIM2 पर मेरा SIM2 में लगा हुआ है, तो SIM2 में डायल किया, ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है, तो जो थर्ड ऑप्शन है PUK का, वो 3 ऑप्शन टाइप कीजिए और सेंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, PUK फॉर अदर और PUK फॉर सेल। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है PUK फॉर अदर, तो 1 यहाँ पर टाइप करना है। 1 टाइप करने के बाद सेंड पर क्लिक कर देंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा जो मोबाइल नंबर आपका ब्लॉक हो चुके हैं, जो आपके मोबाइल नंबर PUK आउट हो चुके हैं, उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड पर क्लिक कर देंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपके जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हैं, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, और डेट ऑफ बर्थ डालने के टाइम में स्पेस नहीं देंगे या कोई भी सिंबल का ऑप्शन नहीं चूज करेंगे और सेंड पर क्लिक कर देंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, PUK1 और PUK2। तो पहला जो आएगा PUK1, तो जो सिम आपके ब्लॉक हो चुके हैं, तो अपना सिम में PUK1 नंबर डालेंगे, जो सिम आपको ब्लॉक हो चुका है उस सिम में PUK1 नंबर डालेंगे। और PUK1 नंबर डालने के बाद फिर से आता है न्यू PUK नंबर, तो जो PUK2 नंबर है वो PUK2 नंबर डाल देंगे। तो आपका PUK1 नंबर डालेंगे फर्स्ट टाइम में और PUK2 नंबर डालेंगे सेकेंड टाइम में। डालने के बाद आपका सिम 5 से 10 सेकंड के अंदर चालू हो जाएगा। बस दोस्तों आज का इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं, मुझे पता नहीं है आप नए हो कि पुराने हैं, मुझे मालूम नहीं है, बस लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। बस फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।